अलमैकम वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ अनम अफजल आपको अपने चैनल पर खुश आमदी कहती हूँ फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ आलू मेथी बहुत ही मज़ेदार बनती है खुशबू बहुत ज़बरदस्त है अगर आप इसको बनाते हो तो आप पूरे घर में आप मेथी की खुशबू फैल जाती है इतनी मज़े की होती है बहुत ही लाजवाब होती है अगर आप रेसिपी जानने में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जाओ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और लाइक और शेयर भी कर देना और चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको बता दूं मेथी को बनाने के दो प्रोसेस हैं मैंने नंबर टू अप्लाई किया है आप नंबर वन भी कर सकते हो यहाँ पर मैंने मेथी ली है और इसको पत्ते पत्ते करके निकाल दिया है और फिर इस स्टेज पर आपने अब आप देखो यहाँ पर मैंने इसको कैंची की मदद से छोटे छोटे इसके पीसेस कर लेने हैं बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पीसेस इसके कर लेने हैं पीसेस करने के बाद आपने उस, अगर आपके पास दही नहीं है तो फिर आप ये स्टेप कर सकते हो मैंने चूँकि दही डाला था इसलिए मैंने इसमें इस स्टेप इस पर आप नमक ऐड कर दो वन एंड हाफ़ टी स्पून तो जितना भी पानी होगा वो स्टेन कर जाएगा और करवाहट इसकी स्टेन कर जाएगी और फिर आप इसको अच्छे से वाश करके पका सकते हो नंबर टू अगर आपके पास दही है तो फिर आप इसमें दही ऐड कर दो जो इसकी करवाहट होगी ना वो गायब हो जाएगी यहाँ पर मैंने ब्रिक पीसेस कर लिया अब मैं इसको वाश कर रही हूँ वाश मैं दो से तीन दफ़ा करूँगी क्योंकि जो मेथी पालक होती है ना इनमें बहुत ज़्यादा रेत होती है तो इसको अच्छे से हम इसको तसल्ली के साथ इसको वाश करेंगे तकरीबन दो से तीन पानी अच्छे से खुले पानी के साथ धोएंगे चलें जी अब हम इसको निचड़ने के लिए रख देते हैं अब हम एक पैन लेते हैं उसमें मैंने तकरीबन दो बड़े चम्मच जो हैं ऑयल के डाले हैं और एक मीडियम प्याज लिया है और इसको मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी यहाँ पर जो है ये हल्का सा कलर चेंज हो रहा है लाइट ब्राउन सा बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर और अब इस पर मसाले ऐड करूँगी यहाँ पर मैंने तकरीबन वन टीस्पून मैंने सुरख मिर्च के लिए हैं हल्दी पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और थोड़ा नमक लिया था वन टी स्पून और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भून लेंगे अब हम मैंने इसमें टमाटर डाला है एक हरी मिर्चें डाली हैं दो से तीन अदद और अब इसको अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि ये मसाला जो है अच्छे से हो जाए और बुन लेंगे अब भुनने के बाद यहाँ पर मैं इसको मेथी जो रखी थी वो डाल देंगे और फिर मेथी डाल के फिर से बुनाई का प्रोसेस तो स्टार्ट कर देंगे इसका पानी जो मेथी जो इसका पानी छोड़ेंगे पहले उसको ड्राई करेंगे और फिर अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और खूब मज बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पर मेथी अच्छे से भुन गई है अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का आलू डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मेथी के अंदर ताकि रच जाए और थोड़ी सी इसकी बुनाई हो जाए ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जितनी आप बुनाई करोगे ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि आलू जो है हमारे गल जाए क्योंकि हमारे मेथी तो पूरा हो गया यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप पानी ऐड किया और इसको कवर करके रख दूंगी पाँच से दस मिनट यहाँ पर हो गए हैं और मेरी मेथी हो गई अब मैं इसमें जो है ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है अब मैं इसमें दही के दो से तीन चम्मच तकरीबन ऐड कर दूंगी और ताकि जो उसकी करवाह अगर ये प्रोसेस उस टाइम करना है जब आपने स्टार्ट में नमक ना लगाया हो अदरवाइज को स्किप कर सकते हैं और और इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे, पकाएँगे भुनेंगे और फिर जब ये इसकी वाइटनेस ख़त्म हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे तो फिर हमारा सालन जो है डन डना डन डन है और बहुत ही ज़बरदस्त है आप इसको पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है चलें जल्दी से मैं इसको थोड़ी ही देर में सर्व करती हूँ आप कहीं ना जाइएगा मेरी सर्विंग देख लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लाइक और शेयर भी कर दीजिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिश अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ खुदाफिज बाय